नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। जैसे आप सब जाने, वीडियो नंबर 50 है। मैंने आज हम लोग अर्धशतक पूरा कर रहे हैं। ये संविधान की अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 50 क्लासेस हम ले चुके हैं। वो भी ऐसी स्थिति में हम 50 क्लासेस ले चुके हैं जब बच्चों का रुझान नहीं, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, बच्चे देखने वाले नहीं, बच्चे पढ़ने वाले नहीं, है ना। मतलब बच्चे जब शेयर नहीं कर रहे हैं क्लास को, बच्चे इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं। कैनुअल समय अब व्यवहारिक ज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूरा पहले जैसे सैद्धांतिक ज्ञान के क्वेश्चन का जमाना खत्म हो गया। जब बच्चों को पता कि अब क्वेश्चन ऐसा रहा जो नॉर्मली बनता नहीं है, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जैसे हम पढ़ा रहे उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि लोगों को पता है कि यही क्वेश्चन आना है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे। इसका मतलब ये वो खुद चाहते कि हम जीवन भर बेरोजगार रहें, और इसलिए कल के डेट में अपने मम्मी पापा भाई बंधु दोस्त यार किसी को कोसते हैं कोचिंग वोचिंग सर टीचर टीचर को, तो सिर्फ उनकी गलती है। मैं तो गलती ऊपर से चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला बात हो जाएगा। देखिए 4 दिन हुए, 184 181 व्यू 4 दिन में, ये तो है। और वही अगर मैं टाइम पास वाला क्लास ले लूं अगर, तो देखिए व्यू एक दिन में 1000 2000 5000 व्यू जाता है। कब आप लोगों का आँख खुलेगा यार, कब समझोगे आप कि एग्जाम में जहाँ क्वेश्चन आता है वो इससे आपको बोरिंग लगेगा ही लगेगा। उसको एंटरटेनमेंट बनाएंगे तो एंटरटेनमेंट बनाने में आपको जो 1 साल का कोर्स 1.5 साल खिंचाएगा, और आपको लास्ट में फिर उतना लंबा लग के फिर उससे भी आप बोर हो जाएंगे। इंसान की प्रवृत्ति मन भर जाता है इंसान का। देख लीजिए 16 लाइक, इतने गंदे रिस्पॉन्स के बाद आपके उसके बाद भी हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि हमको आपसे ज़्यादा चिंता है आपके भविष्य की, आपके फ्यूचर की, मगर फिर भी आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। 5 दिन हो गया, 161 व्यू और 16 लाइक, वेरी गुड। शारदा भारद्वाज जी धन्यवाद आपका। शारदा भारद्वाज जी कम से कम एक आरुषी जी हैं, एक शारदा जी हैं जो कंटिन्यू देखते हैं। यशराज साहू धन्यवाद, यशराज जी। दुर्गा कौशिक जी के धन्यवाद। शारदा भारद्वाज जी, दुर्गा कौशिक जी, यशराज साहू जी, सभी का धन्यवाद दे रहे हैं भाई दिल से। और इन बच्चों के अलावा कोई क्लास देख नहीं रहे, और मैं दिल से दुआ मांग रहा हूँ कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो। आरुषि कुर्रे जी का भी धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का जैसा भी रिस्पॉन्स रहे। हम कोशिश करते हैं संविधान पूरा पढ़ा सकें, शायद आप लोगों के इतने खराब रिस्पांस के बाद भी, ताकि कोई भी कोई पढ़ने वाला बच्चा कहीं कोई प्लेलिस्ट निकाल के सोचे कि हाँ भाई मैं ऐसा संविधान पढ़ लूँ जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए तो उसको पूरा प्लेलिस्ट शायद मिल सके। कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं ले सकते, ऐसा रिस्पॉन्स के बाद क्लास बंद हो जाती है जनरली। चलिए आइए फिलहाल क्लास को हम चालू करते हैं। तो भाग 9 में हम पहुंच चुके हैं, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश हम पढ़ चुके हैं, भाग 9 में हम आ गए हैं जिसमें पंचायती राज का पार्ट 2 आप देख रहे हैं। इससे पहले पंचायती राज का पार्ट 1 आप देखे हैं। अनुच्छेद 243A से 243O तक का, 243A नहीं, 243 से पूरा 243O तक का, 243 में फिर बाद में ए आता है, ठीक। 243 से 243O तक का पंचायती राज का भाग 2 हम देख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, उन 22 भाग उनके नाम उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद ये आपको याद हो गए होंगे जो कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे बच्चे, और जो नहीं पढ़ रहे उनका तो बात ही निराला है। आइए फिलहाल हम आज की क्लास की ओर आते हैं। देखिए पंचायती राज जो नगरीय निकाय है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी संविधान में सिर्फ संविधान के अनुच्छेद के आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है, अभी पूरा पंचायती राज नहीं पढ़ाया जा रहा है। इनको बहुत हड़बड़ी की पंचायती राज पढ़ना, एग्जाम क्वेश्चन आता है तो हमारे पेड कोर्स में पढ़ाए हुए हैं सर, उससे आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो जब भाई पंचायती राज बाद में अलग से पूरा एक सेक्शन पढ़ाया जाएगा बाद में। ये केवल संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान में जितना काम का चीज है अनुच्छेद के अनुसार केवल उतना पंचायती राज हम अभी देखेंगे, ओके। चलिए हालांकि उससे ज्यादा ही देख लेंगे फिर भी, मगर पूरा नहीं देख पाएंगे, है ना। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243A 243O ये जोड़ा गया, ठीक। मैंने ये था आपका, हाँ। संविधान में 11वीं अनुसूची में, मतलब 11वीं अनुसूची में पंचायती राज जोड़े थे, बताया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में 92 से 11वीं अनुसूची में हम जोड़े थे पंचायती राज को, तो इसको जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के, लास्ट क्लास में बताया था आपको लिस्ट बना के, जिसमें पंचायतों के कार्य हेतु 29 मद या 29 विषय दिए गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज में टोटल कितने विषय सम्मिलित है, तो आप बोलेंगे 29 विषय और 29।
इस संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई, वही बलवंत राय मेहता वाली त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की स्थापना की गई। ग्राम ब्लॉक, पहला स्तर है ग्राम स्तर, दूसरा है ब्लॉक या खंड स्तर, तीसरा जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में माध्यमिक ब्लॉक स्तर का होना आवश्यक नहीं है माना गया है। तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पे बीच का ये ब्लॉक वाला स्तर ना रहे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर ग्राम स्तर और जिला स्तर रहना जरूरी है। तो माध्यमिक या ब्लॉक स्तर वाला चीज जरूरी नहीं है। जहां 20 लाख से जनसंख्या कम है, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वह बीच वाले ब्लॉक स्तर की संरचना का होना जरूरी नहीं है, वहां केवल ग्राम स्तर और जिला स्तर वाली संरचना है। क्लियर। इस संशोधन के माध्यम से दो प्रकार के प्रावधान किए गए, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसके मदद से दो प्रकार के प्रावधान किए गए, दो प्रकार के। पहला है अनिवार्य, अर्थात कुछ अनिवार्य चीजें हैं जो होनी जरूरी है, और कुछ है ऐच्छिक प्रावधान। कुछ अनिवार्य प्रावधान जो जरूरी थे, और कुछ ऐच्छिक प्रावधान जो इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई ये करना है कि नहीं करना है। आइए देखते हैं। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, संसद सदस्यों के वेतन तथा विशेष अधिकारों से, पंचायती राज व्यवस्था से। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 जुड़ा हुआ है पंचायती राज व्यवस्था से, अनुसूची 11 में जोड़ा गया था, बात खत्म। अब अनिवार्य प्रावधान की ओर हम आ जाते हैं। जो अनिवार्य प्रावधान उनको देख लीजिए। ये वे प्रावधान है जिसे सभी राज्यों को लागू करना है। वे प्रावधान निम्न है, अर्थात अनिवार्य प्रावधान कौन से हैं? ऐसे प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के तहत, कुछ ऐसे प्रावधान है जो सभी राज्यों को लागू करना जरूरी ही है। और ऐच्छिक प्रावधान जो अगर जिस राज्य की इच्छा हो उसको वो लागू करना चाहे तो करे, ना लागू करना हो तो ना चाहे। जैसे कि भाई 50% आरक्षण सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, ये आपके ऐच्छिक प्रावधान है। जिस राज्य का मन हो इस पर कानून बना के उसको लागू कर देता है, जिसका मन नहीं हो नहीं लागू कर रहा है। इसलिए भारत के सभी पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट महिला के लिए आरक्षित है ऐसा नहीं है। मगर छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, तो जिनका मन है वो किए, जिनका मन नहीं वो नहीं किए। तो अनिवार्य जो लागू होगा ही सभी राज्य में लागू होगा कुछ नियम कि चुनाव होना है, स्त्री कार्यकाल इतना होगा, इस तरीके से कुछ अनिवार्य प्रावधान, कुछ ऐच्छिक प्रावधान। क्लियर हो गया बात? आइए, तो ये प्रावधान जिसे सभी राज्यों को लागू करना जरूरी है, इन प्रावधानों में कुछ निम्न बातें ध्यान रख लीजिए। अब जो पढ़ेंगे नीचे, ये सभी अनिवार्य प्रावधान अर्थात पूरे भारत में सभी जगह पर लगभग लागू होगा, सभी जगह लगभग। प्रत्येक राज्य ग्राम सभा का गठन करेगा, अर्थात हर राज्य ग्राम सभा का गठन करेगा। जहां भी पंचायती राज व्यवस्था वहां ग्राम सभा का गठन होगा ही। तो पहला मेन बिंदु ग्राम सभा का गठन। ओ माय गॉड, ग्राम सभा का गठन। क्लियर। प्रत्येक राज्य ग्राम सभा का गठन करेगा जो गांव के स्तर पर स्थापित होगी। ग्राम सभा से अभिप्राय उस गांव के वे व्यक्ति जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है। अब ग्राम सभा किसको कहते हैं? ग्राम सभा गांव के उन व्यक्तियों के समूह को, ग्रुप को, संघ को कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संघ समूह को कहा जाता है जिनमें से सभी व्यक्तियों का नाम उनके निर्वाचन नामावली में है, या मताधिकार या वोट देने में वाले लिस्ट में है। ठीक। अर्थात जितने भी बालिक, जितने लोग बालिक हो गए हैं, जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य है। और उन सभी लोगों से मिलकर ही ग्राम सभा बनेगी। तो हर राज्य के ग्राम सभा का गठन करना अनिवार्य है। त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम, फिर ब्लॉक या खंड और जिला, इन तीन स्तरीय व्यवस्था होगी हर राज्य में। केवल जहां, जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां ब्लॉक का होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं, इसका मतलब आप चाहे तो बना लीजिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे आपकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, आपके राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो भैया जरूरी नहीं है कि आपको ब्लॉक स्तर का संरचना बनाना जरूरी है। अन्यथा बाकी 20 लाख से ऊपर के हर जनसंख्या वाले राज्य को त्रिस्तरीय संरचना बनाना जरूरी है, ग्रामीण स्तर, ब्लॉक या खंड स्तर और जिला स्तर वाली। क्लियर। तीनों स्तरों के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तर के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे।
लेकिन मध्यवर्ती व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव, लेकिन जो मध्यवर्ती है और जो जिला है इसके अध्यक्ष का चुनाव, कि ओनली अध्यक्ष का, सदस्य का नहीं, ओनली इसके अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होना चाहिए। तो आप समझिए, बार बार पढ़ते हैं कंफ्यूज होते हैं ना, तो इस प्रावधान पढ़िए ना यार। अगर आप रियल माने में जो प्रावधान है वही पढ़ लेंगे तो फिर आपको जरूरत ही नहीं कुछ और पढ़ने का, आप सब सीख जाएंगे चुनाव में भैया कैसे। आप देखते हैं जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो आपको क्यों, क्योंकि प्रावधान ही वही बनाया गया है, रटना ही नहीं पड़ेगा। पढ़िए तो, जानिए तो। आइए, मगर ग्राम पंचायत का बात नहीं किया है, इसके मध्यवर्ती और जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष हो, यह बात बोला गया है, जबकि ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव यानी कि सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। उनकी योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए सरपंच, ठीक, सरपंच की योग्यता 21 वर्ष होना चाहिए, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। तीनों स्तरों पर ST SC के लिए आरक्षण होना चाहिए, माने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों स्तर पर, ग्राम, जनपद, जिला, तीनों स्तर पर ही ST के लिए भी और SC के लिए भी आरक्षण होना चाहिए ही, अगर आपके राज्य में जनसंख्या उनकी है तो। एवं तीनों ही स्तर पर महिलाओं के लिए भी 1/2 यानी 50% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ST SC महिलाओं के समेत। ST SC महिलाओं को मिला करके कम से कम 50%, 1/2 मतलब 50% सीट आरक्षित हो, ऐसा करके। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष से पूर्व अगली पंचायत के लिए चुनाव हो जाने चाहिए, तो जो पंचायत चुनी जाएगी वो 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, और 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले ही नई पंचायत का चुनाव हो जाना चाहिए, ये बात बोल रहा है। ऐच्छिक प्रावधान, अब अनिवार्य प्रावधान आप देख लीजिए, जो अनिवार्य था कि कार्यकाल 5 साल होगा, सरपंच प्रत्यक्ष चुने जाएगा, 21 साल का उम्र होगा, बाकी जनपद और जिला के अध्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष चुने जाएंगे, 5 साल का कार्यकाल होगा, उससे पहले नए जो पंचायत का चुनाव कर लिया जाएगा, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले को 2 स्तर पर रखेगा तो भी दिक्कत नहीं है, बाकी सभी को 30-30 संरचना रखनी है, ST ST के लिए आरक्षण जरूरी है, महिलाओं का 50% सीट आरक्षण करके रखना जरूरी है, ये सब जो प्रावधान या अनिवार्य प्रावधान है, बाकी आप आगे देखते हैं। संसद व राज्य विधानमंडल, कुछ ऐच्छिक प्रावधान जब उसका मन करे तो हो सकता है, संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विभिन्न स्तरों पर बनने वाली पंचायत के सदस्य होने का अधिकार, अर्थात जो लोग संसद में हैं, जो सांसद बन के गए हुए हैं, जो लोग विधानमंडल में विधायक बन के गए हुए हैं, तो सांसद या विधायक, ये ऐच्छिक अधिकार है, सांसद या विधायक के सदस्यों को, संसद भवन के सांसदों को या विधायकों को विभिन्न स्तरों पर, और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम, जनपद, जिला पंचायत, हाँ, इन विभिन्न स्तरों पर बनने वाली पंचायत के सदस्य होने का अधिकार है, अर्थात जो राज्य सरकार चाहे उनको सदस्य बनने का अधिकार दे सकती है, और जो राज्य सरकार ना चाहे नहीं देगी, ये ठीक है, हमारी सरकार जिस राज्य की चाह रही है इस नियम को लागू कर दे रही है, नहीं चाह रही तो नहीं लागू कर रही है, हमारे यहाँ लागू है। पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना, देखिए भी आपका क्या हो गया, पंचायत को उसका वित्तीय अधिकार प्राप्त हो, ये भी ऐच्छिक अधिकार, इसलिए अनिवार्य नहीं है, इसलिए कि आप क्या देखते हैं कि वित्त जुड़े हुए कोई काम जनरली नहीं करते हैं पंचायत। पंचायतों को शक्तियां व प्राधिकार देना, पंचायतों को कितनी शक्तियां देना है, कुछ नया शक्ति देना है, पुराने कोई शक्ति हटाना है, उनको क्या क्या अधिकार देना है, ये सब चीजें आपके राज्य के हाथ में रहेंगी, ये भी ऐच्छिक अधिकार है। OBC का आरक्षण का प्रावधान, देखिए ST SC और महिला के आरक्षण का प्रावधान तो बात कर दिया, अनिवार्य है, आपको अगर ओबीसी को भी आरक्षण देना है तो ये ऐच्छिक प्रावधान है, आप चाहे तो दे दीजिए, अर्थात जिस राज्य में ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है वहां दे दीजिए, उनके लिए सीट रिजर्व कर दीजिए, ये वाला बात है। ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा यह भी राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। अब ग्राम स्तर के अध्यक्ष मतलब सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हो, सरपंच अप्रत्यक्ष हो, यह भी राज्य विधानमंडल को छोड़ दिया कि राज्य की विधानमंडल जो है वो निर्णय ले, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद मिलके इसमें भी बदलाव कर सकती है। जैसे पीछे क्या लिखा था कि जनपद पंचायत तो जिला मध्यवर्ती और जिला स्तर के, मतलब ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के जो अध्यक्ष है वो तो अप्रत्यक्ष ही चुने जाएंगे, मगर ग्राम स्तर के जो भी अध्यक्ष होंगे यानी कि सरपंच वो प्रत्यक्ष चुने जाए या अप्रत्यक्ष चुने जाए, इसका बात पीछे नहीं किया गया था, अनिवार्य वाले प्रावधान में नहीं बोला गया था, इसलिए बोला गया है कि उसको जो चाहे राज्य सरकार वो कर सकती है, अनिवार्य करना अनिवार्य कर दे, मतलब प्रत्यक्ष करना प्रत्यक्ष कर दे, अप्रत्यक्ष करना अप्रत्यक्ष कर दे ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव। तो ग्राम स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा यह भी राज्य विधानमंडल के पर छोड़ा गया है, उसकी उच्च इच्छा पर।
ग्राम पंचायतों को आर्थिक व सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का अधिकार देना, ये भी हुई है आपका क्या है, राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो दे सकती है ये अधिकार, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती। कौन सा अधिकार? ग्राम पंचायतों को आर्थिक सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाने का अधिकार देना, जबकि अपने यहाँ तो देते नहीं है योजना बनाने का अधिकार, हमारे विधानमंडल ही बनाता है। ठीक है, देखिए इच्छा पे है। आइए, भारत के संविधान के 73वें संशोधन में उल्लेखित अनिवार्य प्रावधान है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में उल्लेखित अनिवार्य प्रावधान का बात किया ना, कौन ली? हाँ। प्रत्येक राज्य ग्राम सभा का गठन करेगा जो गांव के स्तर पर स्थापित होगी। अब ये ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य है, और ग्राम सभा किनसे मिलकर बनेगी? वहां के जिन जिन भी वयस्क लोगों का मतदाता सूची में लिस्ट में नाम है वो सब आपके ग्राम सभा के सदस्य हो जाएंगे। 20 लाख से कम जनसंख्या में ब्लॉक का होना आवश्यक नहीं है, ब्लॉक स्तर पर चुनाव होना आवश्यक नहीं, ये भी सही बात है, अनिवार्य प्रावधान है। मध्यवर्ती व जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होना चाहिए, तो मध्यवर्ती जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष होना चाहिए, ये भी अनिवार्य में है, अर्थात उपयोग सभी अनिवार्य प्रावधान है। क्लियर? 29 विषय कि ग्राम पंचायतों भैया 29 विषय उनको प्राप्त है, उन 29 विषयों के बारे में अब हम जानकारी ले लेते हैं जिनसे बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, है ना। आइए, तो इन 29 विषयों को भी हम अच्छे से एक बार जान लेते हैं, क्योंकि 29 विषयों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो 29 विषय में से कुछ मुख्य विषय है, तो उसमें से कुछ मुख्य मुख्य विषय है जिस पे आप शक्ति देख लीजिए। आइए, कृषि व भूमि सुधार, जैसे कि चकबंदी, पशुपालन, जल प्रबंधन, ये फिर 29 विषयों में पूछ प्रमुख विषय है, तो उसमें प्रमुख में फिर ग्राम स्तर का भाई ग्राम पंचायत, जल पंचायत, जिला पंचायत बन रहा है रियल मायने में, तो रियल मायने ग्रामीण स्तर पे तो उनको प्रशासन अपना पहुंचाना है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है, तो गांव में आदमी करता है क्या? गांव में आदमी खेती किसानी तो करता है, कृषि करता है, पशुपालन करता है, जमीन का सुधार करता है, चकबंदी करता है, जल का प्रबंधन करता है अपने खेत को सींचने के लिए, तो मुख्य विषय है ना। इसलिए कृषि व भूमि सुधार ग्राम के जनपद पंचायत स्तर पर सबसे मुख्य विषयों में सम्मिलित है। मछली पालन, गांव के लोग मछली पालन करते ही हैं, इसलिए वो भी सम्मिलित है। वानिकी, वन वन लगाते हैं, पेड़ पौधा लगाते ही हैं, इसलिए वो भी सम्मिलित है। कुटीर व लघु उद्योग करते हैं गांव के लोग, भैया छोटे छोटे उद्योगी धंधे तो कर पाते हैं, टोकनी बनाना, बर्तन बनाना, मिट्टी के गमला बनाना, यस, तो भाई कुटीर व लघु उद्योग भी सम्मिलित है। पेयजल व आवास की व्यवस्था करना, गांव के लोगों के लिए पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए, रहने के लिए आवास का व्यवस्था हो जाए, ये बात भी उसके विषय में सम्मिलित होना जरूरी है। गांव तक भाई सड़क पानी बिजली पहुंच सके, तो सड़क बिजली व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत डेवलप हो सके, ये भी उसके विषयों में सम्मिलित है। इसलिए आजकल आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के गाँव जाएंगे कि वहाँ बड़े बड़े टैंक टंकी लगे हुए हैं पानी के, और सब आपके पूरा उसका मेंटेनेंस सोलर पंप से हो रहा है ना, इसलिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ना, गांव बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई खेत खेत नहीं है बोने होने के लिए, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, गरीबी स्थिति में है, तो उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ कार्यक्रम अलग से चलाना, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण सहित स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उनके स्वास्थ्य फैसिलिटी डेवलप करना, उनकी शिक्षा का इंतजाम करना और प्रशिक्षण के सहित इनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। कुछ वर्गों के लिए, जैसे कि कुछ कमजोर वर्ग है उनके लिए व्यवस्था करने का भी अधिकार है, कि कुछ कमजोर वर्ग उनके लिए भी कुछ अलग से कमजोर वर्ग है, जिसको विकलांग वर्ग है, कोई विधवा वर्ग है ना, कोई परित्यक्तता वर्ग है, तो उसके लिए भी आप कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। सामुदायिक स्थान जैसे चौपाल आदि के रख रखाव की व्यवस्था का अधिकार, कि सामुदायिक स्थान जहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर के बैठते हों, जब सब लोग इकट्ठा होकर के भाई कोई फंक्शन वंक्शन करते हों, सामुदायिक भवन हो, जैसे चौपाल हो, कुछ भी ऐसा जगह, उसका व्यवस्था, उसका साफ सुथरा मेंटेनेंस बना के रखना भी 29 विषय में आता है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन में उल्लेखित विषय में शामिल है, कौन शामिल है भैया उल्लेखित विषय में? सड़क बिजली और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत सम्मिलित है, हाँ है। मछली पालन सम्मिलित है, हाँ है। कुटीर लघु उद्योग सम्मिलित है, हाँ है। उपयुक्त सभी अर्थात उपयुक्त सभी, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, है ना। अब आगे भैया आपका मेन जो आप पढ़े थे
तो उसमें बोला 243 है, फिर 243 के बाद ए है, फिर ए से लेके ओ तक है, तो 243 ए से ओ नहीं, 243 से लेके ओ तक। कहने का मतलब पहले 243 आएगा, फिर 243 के अंतर्गत 243 ए आएगा, ऐसे करते करते फिर जाएंगे ओ तक, 243 से 243 ओ तक जाना है, ये सही है। तो यहाँ शुरू में लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। चलिए अब ये हो गए भैया जो आपके अनुच्छेद 243 आप पढ़े ना, कि भाई पंचायत जब आप पढ़े तो उसमें पढ़े 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ तक में किस किस अनुच्छेद में, संविधान के किस किस अनुच्छेद में क्या क्या मुख्य बातें बोली गई, क्या क्या मुख्य विषय है उस अनुच्छेद का, जैसे 243 का विषय क्या है, 243 ए का क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, ई का क्या है, एफ का क्या है, जी का क्या है, एच का क्या है, आई का क्या है, जे का क्या है, के का क्या है, एल का क्या है, एम का क्या है, एन का क्या है, ओ का क्या है, तो ओ तक है। तो इस पूरे ओ तक में हर एक अनुच्छेद में क्या क्या विषय है, उसका हेडलाइन, उसका टाइटल आपको कंठस्थ होना चाहिए ही, इससे विषय बनते हैं। जैसे पूछेगा 243 ई में क्या है, 243 डी में क्या है, 243 ए में क्या है, जैसे पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए में किसकी बात कही गई है, तो बोले भाई ए में, सर ए में बोलेगी ग्राम सभा की बात, बी में विघटन की बात, इस तरीके से, डी में आरक्षण की बात, सी में संरचना की बात, त्रिस्तरीय संरचना होगी ये सब, इस तरीके से। दोस्तों आपको हर एक विषय का टाइटल पता हो, ताकि कम से कम उस टाइटल से तो आप क्वेश्चन पहले बना सके, उसके अंदर घुसने की बात तो बहुत अलग है, इन सब के अंदर घुस के तो हम पंचायती राज में पढ़ेंगे जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे, मगर यहाँ संविधानिक स्तर पे आपको हर एक अनुच्छेद का टाइटल याद होना चाहिए, कंठस्थ तो याद करवाऊंगा मैं, बस बिंदास माइंड से एकदम माइंड रिफ्रेश करके बैठिए और पढ़ते चलिए, सब खत्म हो जाएगा, कहाँ लगे हुए हैं, आइए। तो सबसे पहले बात तो भाई 243 से चालू होता है, तो 243 का सीधा सीधा बात है कि जितनी भी जुड़ी मुख्य परिभाषाएं हैं वो सब परिभाषा 243 में परिभाषाएं बस है, तो इसको याद रखना बहुत बड़ा चीज नहीं है, कि अनुच्छेद 243 जो है, अनुच्छेद 243 में केवल महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जो भी इसको समझने के लिए ग्राम पंचायत में हर एक की ग्राम सभा क्या होता है, उसकी परिभाषा, आपका भाई मताधिकार लिस्ट होता है तो मताधिकार मतलब मतदाता लिस्ट हो तो मतदाता लिस्ट किसे कहते हैं, वो सब चीजें जितनी मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं वो सभी परिभाषाएं इससे जुड़ी हुई आपके इसी अनुच्छेद 243 में है, मुख्य परिभाषाएं जितनी भी हैं परिभाषाएं, मगर बस के आते हैं यहाँ से ए बी सी डी एफ जी वाले से, तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। कैसे क्या बोलते हैं, जैसे आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लीजिए पप्पू है आपका नाम, तो क्या बोलेंगे, ए पप्पू, क्या ए पप्पू सुन तो, ए पप्पू, तो ए मरप्पड़ कह रहे हैं, मरप्पड़ कह रहे हैं, मरप्पड़ कह रहे हैं, अप्पड़ कह रहे हैं, ग्राम पंचायत, तो ये पप्पू को बुलाएंगे नहीं, यहाँ पप्पू को नहीं बुलाएंगे, यहाँ किसको बुलाएंगे, ए ग्राम सभा, तो अनुच्छेद 243 ए में है ग्राम सभा, ए ग्राम सभा सुन तो, ए ग्राम सभा सुन तो भाई आपका 243 ए में है ग्राम सभा, तो ए ग्राम सभा, क्योंकि आप ग्राम पंचायत पढ़े तो ग्राम सभा को पहले बुलाइए, ए ग्राम सभा सुन तो, हाँ तो अनुच्छेद 243 ए में है ग्राम सभा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको, कि कितने सारे हैं ऐसे याद नहीं रहने वाला, ठीक है सर याद हो गया, ए ग्राम सभा, ए ग्राम सभा इधर आ, बस ऐसे याद, ए ग्राम सभा, तो ए ग्राम सभा ठीक है, 243 ए, कि सब में 243 है तो कॉमन हो गया, वो तो आपको याद रखना ही नहीं है, 243 सब में चलता रह जाएगा, ए ग्राम सभा। फिर आते हैं दोस्तों बी, क्या पढ़ा, अब एक शब्द पढ़ते हैं सर, विघटन, हाँ सर हम पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते हैं विघटन, मराठ में लिख दिया विघटन, क्यों किया ऐसे आपने, अरे क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ बी को, मैं विघटन बोल रहा हूँ ना, विघटन, तो भैया विघटन, तो अनुच्छेद 243 बी में है ग्राम पंचायतों का गठन, तो बी गठन, 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 क्लियर हो गया, ऐसे याद रखा, ए ग्राम सभा बी गठन, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा, ग्राम पंचायत गठित कैसे होती है, यस,
तो बी में है, दोस्त कॉलेज बी में है, उसका गठन ग्राम पंचायतों का गठन, तो बी गठन बस इतना याद रखना है। क्या है सी पे, दोस्त कॉलेज सी पे क्या है? अरे सी 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 ऐसे लिखिए ना, सी का स ले लिए और शुरू कर दिए रचना, सी से ही संरचना। तो सी में है संरचना, की संरचना कैसे होगी पंचायतों की, त्रिस्तरीय संरचना होगी, तो सी में है भैया संरचना, सी संरचना सी संरचना सी संरचना, सी में से आता है सबसे संरचना। तो ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, क्या बोलेंगे साथ साथ बोलिए, ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना, ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना, ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना। आते हैं तो डी में, डी में, डी में, डी में क्या होगा, एबीसीडी में कब डी आता है, ए बी सी डी, डी आता है चौथे नंबर पे, चार अक्षर में चार अल्फाबेट है, तो यहां देखिए 1 2 3 4 चार अल्फाबेट है, तो भैया ए बी सी डी में आरक्षण, डी में आरक्षण, क्योंकि डी चौथे नंबर में आता है, देखिए इसलिए आरक्षण में 1 2 3 4 4 आपके दिख रहे हैं आपको वर्ण, क्लियर हो गया भैया, ठीक है। तो भैया ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण, ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण, आप बस बोलते चलिए बस शायरी की तरह, सब आपको मन में बस जाएगा, ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण, डी आरक्षण। ठीक, वैसे दोहराते रहिए, साथ में पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही साथ ही दोहराते दोहराते याद होने वाला है, खुद से सोचेंगे याद कर लूंगा और बोलूंगा तो नहीं होने वाला है, इसलिए साथ में बोलते चलिए, क्योंकि आज भले समय लग जाए, आज यहाँ पे समय लग जाए, समय लगा दीजिए इसका, मगर फल आपको एग्जाम में देखने मिलेगा कि आपको ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण ऐसे याद रहेगा राइम की तरह, और आप फट से मार के आएंगे एग्जाम में, इसलिए आज टाइम लगाइए। दोस्त ई ई अवधि, क्या ई अवधि, पंचायतों की अवधि कितनी होगी, कितने का उनका कार्यकाल का अवधि कितना होगा, तो ई अवधि, देखिए अवधि में ही अवधि में अवधि धी में ई आता है, तो हाँ सर ई अवधि, तो ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण ई अवधि, ई अवधि। एफ, एफ मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, फेल होना मतलब तुम अयोग्य हो गए यार, तुम तो एग्जाम में फेल हो गए, तुम तो एग्जाम में अयोग्य हो गए, तो एफ से फेल हो गए, अयोग्य हो गए, एफ फॉर फेल मैंने अयोग्य हो गए, तो अयोग्यताएं सदस्यों के लिए क्या क्या अयोग्यताएं हैं, हो गया एफ फॉर जो फेल होगा अयोग्य घोषित हो जाएगा, जो एफ फॉर फेल हो जाएगा वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, तो एफ फॉर अयोग्यताएं लीजिए। बोला आपको इतना बोला कि एक एक शब्द में आपकी सब चीज छुपा दूंगा, मैं छाप दूंगा आपके दिमाग में, सब पढ़िए तो एंजॉय के साथ, चलिए। बताइए आप, जो आदमी कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहे हैं हमारे भारत में, बहुत सारे मेरे खुद मित्र हैं, पुरुषोत्तम शुक्ला जी, वो पूरे कोयले वाले लाइन में काम करते हैं, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती है, और जब वो काम करने जाते हैं तो बेचारे खाने वाने का व्यवस्था नहीं हो पाता है, पैसा कौड़ी तो है उनके पास, मगर उस समय जब फील्ड में है तो उसमें खाने का व्यवस्था कहाँ से करें, वहाँ ना ऐसे जगह में कोयला खदान ऐसे जगह में होता है जहाँ भैया कोई होटल ना ढाबा ना कुछ, तो उस समय पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक, रात में जब खाना वाना खाते हैं तो और सुबह से लेकर रात तक पूरा, पता आपको उनको पूरे कार्य करने की शक्ति क्या खा के मिलती है, उनको पूरा काम करने की शक्ति मिलती है पार्ले जी खा के, क्या पार्ले जी खा के शक्ति मिल गई, पार्ले जी, तो पार्ले जी खा के शक्ति मिल गई, अर्थात दोस्त जी में है पंचायतों की शक्ति, तो जी में है शक्ति, तो जी में है पंचायतों की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तो पंचायतों की शक्ति उनके अधिकार उनके उत्तरदायित्व सब आपके आते हैं दोस्त जी में, क्या बोलेंगे ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण ई अवधि एफ फेलवर अयोग्यताएं, ई के बाद एफ, एफ का आपका क्या है जी, जी बोलते शक्तियां अधिकार उत्तरदायित्व, बोलिए साथ साथ में, ए ग्राम सभा बी गठन सी संरचना डी आरक्षण ई अवधि एफ फेलवर अयोग्यताएं जी शक्तियां उत्तरदायित्व, ये आपका वो क्लियर, यस कितना आसानी से याद हो गया, देखिए जी तक आपको याद भी हो गया है, अब एच आई जे के एल एम एन ओ बस यहीं तक पढ़ना है, आठ और बात खत्म, चलिए आते हैं एच पे, ठीक
एच पार्ले जी की शक्ति आप देख लिए हैं, है ना। अब एक बात बताइए, एच फोर क्या? एच फोर हाय हाय पैसा, हाय हाय पैसा, हाय रे मोदी, हाय रे कांग्रेस, हाय रे बीजेपी, मेरा पूरा पैसा लूट लिया टैक्स के नाम पे, कर के नाम पे। तो अब एच फोर क्या? जब भी आपसे कोई टैक्स मांगता है, आप क्या करते हैं? पूरे भारत के लोग, जितने भी लोग हैं, जब उनका टैक्स काटा जाता है तो हाय हाय करते हैं। एच फोर हाय हाय करते हैं जब भी उनका कर या टैक्स लिया जाता है। तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां उनकी नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे कर से जुड़ा हुआ बात है कि पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, और कर लगाने की शक्ति और कर को वसूलने की शक्ति। तो कर वाला बात पर किसमें है? एच फोर। जब भी कोई आपसे कर लेगा तो क्या बोलेंगे? हाय रे मोला लूट लीस रे बाबा, मोला लूट लीस रे अतका रूटीस ए राजो, ऐसा वाला। तो एच फोर हाय हाय करके आपको ध्यान रहेगा कर लगाने की शक्ति। एच के बाद आई आ गया, आई आ गया, आई 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 जी एच आई आई। बोल क्या बोल रहे हैं भाई? आई में क्या बोल रहे हैं आप? आई बोलिए इनकम, इनकम आई से इनकम, इनकम मतलब वित्त, वित्त। इसलिए देखिए आई में है वित्त आयोग का गठन या वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन। तो मैंने यहाँ वित्तीय वित्तीय बात होगा, वित्तीय स्थिति वित्त वित्त बात होगा, वित्त वित्त, क्योंकि आई फोर इनकम, आई फोर इनकम, इनकम मतलब वित्त। तो भाई आई में आ गया इनकम वित्त, क्लियर? यस। और जे में आ जाते हैं आप, कितना आसानी सबको याद हो रहा है। जब भी आप तो कोई कर लेते हैं, आप हाई हाई करते हैं, मैंने एच एच करते हैं। आई फोर इनकम और वित्त का बात हो रहा है। जे फोर, जे फोर, जे फोर जांच, जांच करो। तो पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षा को हम बोलते हैं क्या? जांच। कि पंचायत की जो भी लेखा है उन सबका संपरीक्षा करो, उनका जांचो। तो जे फोर जांच, तो जे फोर जांचना। तो याद हो गिली जी, बताइए कोई है डाउट? नो सर। आते हैं दूसरा लिस्ट के पे, के पे, के पे, के पे। अब के पर अब ये गाना थोड़ी गा देंगे भैया, नहीं गाते गाना छोड़िए, हटा दीजिए मन में। के फोर, अरे कब तक निर्वाचन छुपाओगे राजा, तुम्हें भी तो चुनाव में हराओगे राजा। तो भाई के फोर क्या है? के फोर, अरे कब तक निर्वाचन में आओगे राजा। तो के फोर कब तक निर्वाचन में आओगे राजा, कभी तक तुम निर्वाचन से भागोगे राजा। तो के फोर निर्वाचन, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन है दोस्तों इस के में। तो कितना सारा मेहनत कर रहा हूँ आपको याद करने के लिए, बताइए। बोला है गाना और सब गा रहे हैं, मैं सिंगर डांसर सब बन गया, वैसे सब डांस भी करना पड़ जाए। चलिए भैया ठीक है सर, जो का पार्ट हो गया सर। एच फोर हाय हाय करते हैं कर लगाने के लिए, आई फोर इनकम और वित्त का बात, जे फोर जांच होता है उसके लेखाओं की जांच करना, और जे के बाद के आ गया, के भाई निर्वाचन का बात हो गया ठीक है। और के फोर कैसे सर? के फोर काटते हैं सभी प्रतिद्वंदी चुनाव खड़े होने वाले एक दूसरे के निर्वाचन में, जो खड़े होते हैं उन सबका सीट काटते हैं। तो के में जो निर्वाचन खड़े हैं उनका सीट काटते हैं, के फोर काटते हैं, ऐसे भी याद रहेगा ठीक है। जेके एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इसको याद रख लीजिए। कैसे याद रहेगा? एल फोर लागू होना, क्या संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, एल फोर लागू होना, क्या संघ राज्य क्षेत्र माने केंद्र राज्य क्षेत्र, है ना, केंद्र राज्य क्षेत्र को लागू होना ठीक है। अर्थात केंद्र राज्य क्षेत्र जिस आप जो भी ग्राम पंचायत है और जिस भी केंद्र या राज्य क्षेत्र में आ रहे हैं भाई, वहां पे उसके केंद्र और राज्य के नियम तो चलेगा ही, उन सबका लागू होना ठीक है। तो एल हो गया भाई, एल फोर लागू, एल फोर लागू होना। एल को आगे एम, एम फोर, देखिए एल फोर क्या हो गया? लागू होना। एम फोर लागू होने से मना करना, तो लागू ना होना। एम फोर मना करना, एम फोर मना करना, किससे मना करना? मना करना, एम फोर मना करना, किससे मना करना? लागू होने से मना करना कि नहीं, ये चीज नियम लागू नहीं दूंगा। तो 22 भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, तो एम फोर मना कर देना, मना कर दे कि लागू नहीं होगा, जा ठीक है। तो एम फोर मना करना, एल फोर लागू होना, एम फोर मना कर देना लागू होने से ठीक है। कहते एन पे विद्यमान विधियों और पंचायतों को बना रहना, कि मैं तो बने रहूंगा, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मुझे कोई नहीं हटा सकता। एन फोर नो वन इज हटाइंग मी, है ना। तो नो हटाबे मोला, जिन हटाबे मोला, नो हटाबे, तो नो मतलब नो, नो नहीं हटा सकते तो मुझे। तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, जब तक तो आपको कोई हटाएगा नहीं तब क्या होंगे? नहीं हटाएगा कोई मुझे, मतलब मैं बने रहूंगा, अर्थात
बने रहना, पंचायतों का बने रहना, विद्वान विधियों का जो वर्तमान विधि है उन सबका बने रहना। आप उन विधियों को तोड़ने से, आपको हटाने से आप नो 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 बोल रहे हैं कि मैं पंचायत बने रहेगी, इसको कोई तोड़ेगा नहीं, विद्वान विधि बने रहेगी, इसको तोड़ेगा कोई नहीं। तो N4 बने रहना। लास्ट में आगे दोस्तों, 243 से 243 ओ है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। तो फिर आ गया बस न्यायालयों का हस्तक्षेप, ठीक। वैसे आपको लास्ट में ये अर्थ है न्यायालयों का हस्तक्षेप, कैसे याद रहेगा? इस ओ को आप ऐसे कर देंगे ऐसे, तो आधा ना बन गया, आधा ना से न्यायालयों का हस्तक्षेप हो गया, लीजिए ये हो गया आधा न्यायालय, आधा ना बन गया, इसे आप लगा दिए ऐसे या तो न्यायालय हो गया, ठीक हो गया, क्लियर? यस। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पूरा ए से ओ तक पूरा याद रखना है ना? तो भाई हम देखते हैं कि आपको कितना याद हुआ। 243 लिख लेते हैं यहाँ पे, इसमें तो परिभाषा है, चेक भी कर लेते हैं कितना याद हो रहा है हम लोग को। सिर्फ की पॉइंट लिखिएगा, बाकी सब तो आपको याद हो जाएगा। 243 के बाद ए से चालू करते हैं। ए ग्राम सभा, बी गठन, पंचायतों का गठन, सी सी से संरचना। ए ग्राम सभा, बी गठन, सी संरचना, सी संरचना, डी आरक्षण, ई अवधि, ए बी सी डी ई एफ, एफ से फेल होना माने अयोग्य होना, अयोग्यता, जी पार्ले जी जीवन शक्ति आना, तो शक्ति शक्ति अधिकार उत्तरदायित्व, पार्ले जी खा के शक्ति आ जाती है। एच कर लगाने की शक्ति, कर लगाने पर हाय हाय करते हैं। आई आई फॉर इनकम, इनकम बोले तो वित्त, वित्त विभाग वाला, वित्त आयोग वाला, आई जी एच आई। जे जे फॉर आपका भैया, निरीक्षण करने वाला, संपरीक्षा करने वाला या जांच करने वाला, संपरीक्षा या जांच करने वाला। के से क्या होगा? निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन मुझे कोई काट नहीं सकता, है ना? अरे कब तक निर्वाचन में आओगे राजा? तो कब तक के से कब तक निर्वाचन से व्यास करवाया था, ठीक है। एल एल फोर क्या था भाई? एल फोर था सारे विधियों कानूनों का संघराज्य क्षेत्रों को लागू होना, एल फोर लागू। एम फोर लागू होने से मना करना, मतलब लागू ना होना। जे के एल एम एन एन फोर बोल रहे हैं क्या? कोई मुझे हिला नहीं, हिला नहीं सकता, मतलब मैं बने रहूंगा, बने रहना, पंचायतों को उसके विधि कानूनों का बने रहना है। एम फोर जे के एल एम एन ओ फोर ओ से बना था आपको भाई न्यायालय, न्यायालय। ये निर्वाचन को लेकर कोई बहसबाजी हो तो उसका समाधान न्यायालय में करवा सकते हैं आप। तो ओ फोर के ओ से बना था, ये ओ था, ओ से जुड़ के न्यायालय बनाया था, तो फोर न्यायालय वाला, ठीक। देखिए आपको याद है, पूरा लिख तो दिया आपके आंखों सामने, ऐसे आप भी पूरा पढ़िए वैसे, फिर से लिख के देखिए आपको याद होता है कि नहीं होता है। जब उतना याद हो जाए ना मेरे दोस्त, तब कहीं उसके अंदर प्रवेश करके आपको फिर उसके अंदर का डिटेल पढ़ना होता है। पहले आपको ये तो पता होगा कि किस किस विषय में भाई क्या क्या बात की गई है, तब उसका टाइटल आप अंदर डिटेल पढ़ेंगे तब ना, जब पहले बाहर का पूरा टाइटल तो पता हो। जब आपको यही नहीं पता कि मेरा नाम प्रतीक सिंह, मुझसे सब चीज जान ली, लास्ट में मेरा नाम ही नहीं जाने, तो क्या मतलब? आपसे कोई पूछा, अरे भाई तुम आज किससे मिल के आए हो? तुम बोला, अरे अरे वही जिनके पिताजी ये है, जिनके भैया वो है, जिनके मम्मी जिनके पापा ये वो। अरे भाई वो आदमी कौन है? अरे आदमी उसका नाम तो नहीं पता भाई, तो कितनी बड़ी बेइज्जती है ना। पहले आप मेरा ही तो नाम जानेंगे, इसलिए पहले आप इनका नाम तो जानिए, इसमें क्या क्या है, उस उनके अंदर का डिटेल तो बाद में जानेंगे ना। यस, तो फिर दूसरा से में ग्राम सभा, बी में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। सी में ग्राम पंचायतों की संरचना, डी में स्थानों का आरक्षण, क्या आरक्षण करना है, एसटी के लिए, एसटी के लिए सब आरक्षित करते हैं सीट वो सब। ई में पंचायतों की अवधि, एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यता, जी में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी विधियां,
आई में है वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, जे के लिए पंचायतों की लेखा व लेखाओं की समीक्षा या जांच, दूसरा लिस्ट के में पंचायतों के लिए निर्वाचन, एल में आपके भी संग्रह क्षेत्रों को लागू होना, एम में आपका इस भाग का कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना, एन फोर है आपका विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, मतलब कोई नहीं नो नहीं बोल सकता, बने रहेंगे वन इनका विद्यमान विधि और पंचायतों का बने रहना, वो है आपका निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। तो हो गया भाई 240 से 240 ओ तक पूरा आप पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन निकलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है भैया आप बताइए। 240 ग्राम पंचायतों के गठन का बात किस बोला, की पर्सोस पकड़ी यार, ए ग्राम सभा, विघटन, 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 वो सब देखिए कोई बच्चा बच्चा बता देगा क्या है, बोला हिंट से पढ़ेंगे, बी डी में आए, विघटन, विघटन, विघटन। मेरे को पता नहीं एग्जाम क्वेश्चन किससे, कैसे आपको याद रहेगा, कैसे आपको फट से क्लिक करके बनेगा, ग्राम सभा पूछ लेता तो फट से ये हो जाता, ए ग्राम सभा, विघटन की आपका निर्वाचन, ओ फोर आपको क्या भैया बताइए, ओ फोर न्यायालय हस्तक्षेप वाला। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा संपरीक्षा में जांचना, जे फोर जांचना, तो 240 जे आने से पहले बता दिया, डी 240 जे, के फोर आपका भैया निर्वाचन, ओ फोर भैया आपका न्यायालय का हस्तक्षेप, निर्वाचन बहस बजी हो तो, डी फोर आरक्षण लीजिए। ऐसे ही आपको भी याद होगा, आपको खुद महसूस होगा, हाँ यार सुना सुना लग रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों द्वारा कर अधिरोप, कर कर कर, टैक्स टैक्स टैक्स, जब कोई आपसे सरकार टैक्स लेती है क्या करते हैं, हाय रे करते हैं, हाय हाय करते हैं, बस हाय हाय बोलते हैं, एच एच, तो भाई 240 एच, तो सी एच, एच में है कर, कर अधिरूपित करने की शक्तियां और नीति प्रावधान। तो यहाँ तो ये वाला कंटेंट हो गया भैया खत्म, है ना। अब मैं आपको एक बार संविधान के जो 22 भाग है उनमें से जो जो मुख्य भाग है और उस भाग के नाम उसके अनुच्छेद होता है तो रिवीजन करवा देता हूँ, पहले देखता हूँ कितना टाइम हो गया है ना। चलिए ठीक है करवा देता हूँ रिवीजन। चलिए टाइम थोड़ा बचा है तो एक काम करते हैं, आज हम आपको संविधान के जो भाग हैं उनके नाम भी और उनके अनुच्छेद भी आज आपको वो भी हम लिख के याद करवाते हैं, जैसे हम आपको इसको पूरा लास्ट में लिख के याद करवाए, ठीक। तो संविधान 22 भाग है आप जानते हैं, 22 भागों में कुछ मुख्य मुख्य भाग आपको लिखवा रहा हूं मैं, वो सबको भागों को लिख लीजिए। आइए तो सबसे पहले 22 भागों में आता है भाग एक, की पॉइंट्स, बस की पॉइंट्स अभी लिखते चलिए, है ना, की पॉइंट्स लिखते चलिए ताकि आपको याद हो जाए किस भाग में क्या चीज है। मतलब पूरे भारत का संविधान हम लिख रहे थे, मैं क्या बोला भारत का संविधान, सबसे पहले सब क्या है भारत, भारत के भारत में आप पूरी पृथ्वी पे एक निश्चित भूखंड का क्षेत्र है ना कि भाई इतनी जो बाउंड्री फिक्स इसी को भारत बोलते हो आप, हाँ तो विशेष सबसे पहला भाग क्या होगा, कोई निश्चित क्षेत्र का बात हो रहा है उसी को आप भारत बोल रहे, तो उसी निश्चित क्षेत्र में ही कोई भारत बोलेंगे, ताकि भारत का सारा नियम कानून संविधान इसी क्षेत्र तक ही लागू होगा, इससे सबसे पहले भाग एक उसका क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हर देश क्या होता है अपना क्षेत्र कब्जे पे लगे रहता है, ठीक है। तो संघ राज्य और उसका क्षेत्र, इसका पूरा नाम है संघ राज्य और उसका क्षेत्र, मगर भाग एक में क्षेत्र है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आते हैं भाग दो पे, जब कोई क्षेत्र है तो वहां कोई जनता भी तो निवास करेगी, जब जनता निवास करेगी तो किसी क्षेत्र में रहने वाली जनता को उस क्षेत्र का नागरिक कहते हैं, इसलिए भाग दो में आ जाएगा नागरिक, ओके नागरिकता, ठीक है, कि भाई जो हमारे क्षेत्र में हमारे देश का नागरिक है उसको नागरिकता हमारे देश का देते हैं, ठीक है। भाग तीन आ जाता है, भाग तीन क्या बोलता है कि इस क्षेत्र में जो नागरिक रह रहे हैं इनको कुछ ना कुछ अधिकार तो मिलने चाहिए ना, क्या विदेशियों को और भारतीयों को एक बराबर अधिकार प्राप्त है क्या हमारे देश में, नहीं। और क्या आपको भी विदेश में जितना आपको भारत में अधिकार प्राप्त है क्या आपको भी अगर आप विदेशी बन के आप जाते हैं तो क्या आपको उतना सारा अधिकार प्राप्त है जितना अपने देश में प्राप्त, नहीं। अर्थात आपके अधिकार आपके नागरिक होने पर डिपेंड तो करता है, इसलिए अगर आप नागरिक हैं तो आपके कुछ मूलभूत अधिकार भी हैं, कुछ मूलभूत अधिकार भी हैं, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स अधिकार, ठीक है। भाग चार आ जाएगा, जब आपके पास अधिकार आ गया
जब आपके पास अधिकार आ गया तो आपने अपने अधिकारों का प्रयोग करके सरकार का निर्माण किया कि भैया देखो हम तो पढ़ाने जाते हूँ, हम काम कर रहे हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम ये करें, हम वो करें, शासन प्रशासन कौन चलाएगा, सड़क पानी बिजली कौन बनवाएगा, रोड पानी बिजली कौन बनवाएगा, ट्रेन कौन चलाएगा, ये सब व्यवस्था तो करना पड़ेगा। इसलिए हम एक सरकार का निर्माण कर देते हैं सारी व्यवस्था चावल चलाने के लिए, क्योंकि हमारे पास अधिकार है अपने लिए सरकार का चयन करना, निर्वाचन करना। तो हम लोगों ने भाई राज्य सरकार बना दिया। अब राज्य सरकार राज्य में सरकार होती है, सरकार का भाई सरकार हमने बनाई, सरकार क्या करेगी, हर एक काम की नीतियां बनाएगी, नीति बना बना के काम करेगी, तो राज्य के नीति बनाएगी हो, मगर नीति बनाए तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखे, अपने मन से ना बना दे। इसलिए हम जब अपने अधिकार के तहत सरकार का निर्माण किए तो कुछ निर्देशक तत्व, तो कुछ गाइडलाइंस वाले एलिमेंट्स या कुछ आपके गाइडलाइंस वाले प्रिंसिपल दे दिए कि भाई इन्हीं तत्वों को ध्यान में रखकर बनाओ, कि तुम्हारा मेन काम गरीबी दूर करना है, आपके बेरोजगारी दूर करना है, इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा करना है, अशिक्षा को दूर करना है, शिक्षा को बढ़ाना है, इस तरह कुछ सिद्धांत दे दिए गए। तो क्या हुआ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं भाग चार में आ जाएगा, अधिकार मिलने के बाद ही आप चयनित किए DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हो गया। अब चार से बने चार क भाग, चार से बन गया चार क क्या, अरे भाई जब सरकार अब अपने काम कर रहा है, राज्य के राज्य 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 ने जो सरकार है वो नीतियां बना रही है, अपने काम कर रही है, नीति बना के अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, नीति बनाने के हर कर्तव्य का पालन कर रही है। जब सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है तो जनता का भी कुछ कर्तव्य है ना, हम जनता का भी कुछ कर्तव्य है ना कि हम अपने देश के राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, हमें एकता अखंडता की भावना को बनाए रखें, हाँ अपने बच्चों के विकास के लिए काम करें, उन बच्चों को पढ़ाने शिक्षा के लिए हम अग्रसर रहे, धर्म जाति संस्कृति सभी को मिला जुला के रखें, उस पर हम बांटे ना, बस। तो भाई आपके कुछ कर्तव्य है नहीं अपने देश के प्रति, देश को स्वच्छ बना के रखे, स्वस्थ बना के रखे, हाँ भाईचारे की भावना को बढ़ाए, यस। तो हमारे कुछ कर्तव्य है, तो आपके भी कुछ कर्तव्य है, तो भैया जब सरकार ने अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया नीति बना के, तो आपके भी कुछ कर्तव्य है, तो आपके कुछ मूल कर्तव्य होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स था, मूलभूत अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब तो हो गया। अब सरकार बन गई, तब सरकार सबसे बड़ी सरकार किसको आप मानते हैं, केंद्र की, तो भाई केंद्र सरकार, तो भाग पांच हो गया सीधा सीधा। अब भाग पांच आप बताओ वो सबको समझ लीजिएगा, भाग पांच, भाग छ, भाग सात तो समाप्त हो गया, तो सात को छोड़ देते हैं, भाग सात समाप्त हो तो सात को छोड़ देते हैं, वैसे लिख दो, भाग आठ, भाग नौ, भाग दस, ठीक। भाग पांच में सर कौन सबसे बड़ी सरकार कौन है, केंद्र सरकार है, तो लीजिए केंद्र सरकार या संघ सरकार आएगी प्रशासन चलाने के लिए। केंद्र सरकार के पास सबसे बड़ी सरकार कौन है, राज्य सरकार है, तो लीजिए राज्य सरकार आ गई। सात जो है कि समाप्त हो गया है, निरसन हो गया, हमने हट गया है, तो उसको छोड़ देते हैं, तो भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद अगली बड़ी सरकार कौन है, तो है सर आपकी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर हो गया। फिर नौ, नौ में एक और चीज, हाँ सर, केंद्र शासित प्रदेश के बाद बताइए सब भारत के अधिकांश जनसंख्या कहाँ पे है, कहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बाद और कहाँ पे प्रशासन है, अरे भैया सबसे बड़ी प्रशासन है आपके गांव में, गांव में कौन सा प्रशासन है, पंचायत, तो लीजिए भाई भाग नौ में पंचायत, और नौ से ही नौ कब ना, उसमें क्या आएगा सर, पंचायत तो हो गया गाँव स्तर पे, शहरी स्तर पे नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, तो भाग नौ में पंचायत, भाग नौ कब में नगरीय निकाय, भाग दस में कुछ अनुसूचित और कुछ जनजाति क्षेत्र है, कुछ जनजाति क्षेत्र का प्रशासन भी तो खुद से चलाते हैं ना, अरे कहीं पे प्रशासन केंद्र सरकार चला रही है, कहीं राज्य सरकार चल रही है, कहीं केंद्र शासित प्रदेश चला रही है, कहीं पंचायतें चला रही है, कहीं नगरीय निकाय चल रही है, और कहीं पे प्रशासन तो भैया खुद वो जनजाति चलाती है ना, जो उनके जनजाति क्षेत्र है वहां पे, यस। तो कुछ अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित और सूचित और जनजाति क्षेत्र जहाँ प्रशासन अपना खुद चलाते हैं, तो लीजिए आपको याद हो गया ये पूरे भाग, भाग एक से लेके भाग दस तक आपको सभी का कारण के साथ इसी सीक्वेंस में क्यों है ये भाग, इसी सीक्वेंस में भागों को क्यों रखा गया है, सबका कारण आपको पता चल गया होगा ये उम्मीद करता हूँ मैं, है ना।
ठीक, यस सर। पहले बस उनका नाम नाम देखते चलिए, ठीक है ना। 10 के बाद भाग लिखिए, भाग 11। 11 में क्या देख रहे हैं, एक और एक 11 होता है, कभी भी एक और एक 11 होता है। एक केंद्र सरकार है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार है, तो एक और एक 11 अर्थात केंद्र राज्य जब आपस में जुड़ते हैं, एक केंद्र सरकार एक राज्य सरकार जब आपस में जुड़ते हैं तो एक और एक मिलकर 11 बनाते हैं। इसलिए भाग 11 में क्या है, एक और एक मिलकर 11 बनाया, तो दोनों में आपसी संबंध अर्थात केंद्र राज्य में संबंध, इसलिए भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। मुझे कट आउट नो सर। भाग 12 में क्या है, भाग 12 में क्या है, भाग 12 में है कह रहे भैया मेरे वित्त के, मेरे संपत्ति के, मेरी संविदाओं के 12 बज गए। किसके किसके, मेरे वित्त की, मेरी संपत्ति की, संपत्ति की, मेरी संविदाओं की, संविदाओं की 12 बज गए। तो भाग 12 में मेरे वित्त संपत्ति संविदाओं की 12 बज गई है भाग 12 में। भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में है, ओए 13 व्यापार, 13 व्यापार, 13 वाणिज्य, 13 काम धंधा कैसा चल रहा है, तो 13 वाणिज्य व्यापार धंधा समागम कैसा चल रहा है ना। तो 13 भाग 13 में है 13 व्यापार, वही भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मतलब भारत की सीमाओं के अंतर्गत 13 व्यापार, 13 वाणिज्य, तेरा समागम कैसा चल रहा है, तो तेरा व्यापार वाणिज्य समागम कैसा चल रहा है ये। अब भाग 14 में बोल दिया भैया आपने, क्या बोल दिया आपने, भाग 14 में आपने बोला कि यार मेरा तो सब चा से 14 चा से मेरा सब चांदी चांदी हो जाएगा, बस मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का मेरे को गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, मतलब मैं तो संघ या राज्य के अधीन मेरे को सेवा मिल जाए, सेवा करने के लिए मिल जाए, सेवाएं मिल जाए। मैंने तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनना चाह रहे हो या स्टेट गवर्नमेंट के, तो भाई भाग 14 में चा से 14 चा से चांदी चांदी, तो भाई चांदी चांदी किसका होगा, जिसको संघ या राज्य के अधीन, के अधीन, इसीलिए तो आप सब तैयारी कर रहे हैं ना, मर मर के अधीन सेवाएं प्राप्त हो जाए। यस, तो भाग 14 में कि चांदी चा से 14 चा से चांदी चांदी हो जाएगा अगर आपको संघ या राज्य के अधीन सेवाएं प्राप्त हो जाए। 14 से 14 का भी है उसको छोड़ देते हैं, मेन मुख्य भाग इसका यहाँ तो कंटिन्यू भाग बता दिया, इसका कुछ मुख्य भाग है केवल उनको बताता हूँ। 14 के आगे 14 का उसको छोड़ दे रहा हूँ अभी, प्राधिकरण वगैरह वाला, हाँ प्रकीर्ण वाला। भाग 15 बताता हूँ सीधा, 14 का छोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको, 14 का मैं छोड़ रहा हूँ। भाग 15, भाग 15 है आपका क्या, निर्वाचन, निर्वाचन। यस, भाग 17 के, भाई भाई 16 भी विशेष पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध, उस भाग 16 भी छोड़ रहा हूँ, भाग 17 बता रहा हूँ सीधा आपको। भाग 17, भाग 17 क्या है, राजभाषा, भाग 17 राजभाषा। भाग 18 क्या है, भाग 18 है आपातकाल, से 18 अ से आपातकाल, तो आपातकालीन उपबंध, आपातकाल लिख दे रहा हूँ बस, कि भाई आपातकाल आता है ना, राष्ट्रपति शासन ऐसे सब चीज़। हाँ, अब भाग 18, भाग 19 छोड़ रहा हूँ, भाग 20 लिखता हूँ सीधा सीधा, भाग 20, फिर भाग 21-22 भी छोड़ रहा हूँ, भाग 20, इतने भाग आपको याद रहने चाहिए अच्छे से। भाग 20 में है संविधान, संविधान में संशोधन, लीजिए फिर भाग 21 भाग 22 छोड़ रहा हूँ, फिलहाल इतना देख लीजिए, तो आपको समझ में आया पूरा ये 22 भाग, उनके नाम तो पहले आपको पता होने चाहिए। क्या आप ईमानदारी से बताइए कि आप हर एक कोई को इतना भाग और इसके इतने नाम याद हैं, तो कहिए ना आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कैसे नौकरी मिलेगी आपको, आप किसका वेट है, क्यों सो रहे हैं, जागिए भाई, आग लगा दो दुनिया में जब दुनिया तुम्हारी ना सुने। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि मिट्टी तेल छिड़क के आग मार रहे हैं, आग लगती है दोस्तों अपने विचारों से, अपने मेहनत से, आप अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित रहिए कि आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए, समझे बात, आग लगा दो दुनिया में पर पूरे करो सपने अपने, पर पूरे करो सपने अपने, जब तक है सपने तुम्हारे तो
फिर किसी और की मेहनत की आशा क्यों? जब तक है सपने तुम्हारे तो फिर किसी और की मेहनत की आशा क्यों? क्यों आशा करते हो कि भाई मैं पढ़ा दूंगा, मैं रटा दूंगा, मैं यात्रा दूंगा? क्यों? जब सपने आपके हैं तो भाई आपको खुद ही मेहनत करना होगा ना। तो आग लगा दो दुनिया में, और सबसे अच्छी बात अपने सपने के लिए, सपने अपने की आशा क्यों, दूसरों से आशा क्यों, है ना? तो अपने सपनों के लिए दूसरे से आशा नहीं रखा जाता है, आपको ही अंदर वो आग जलना चाहिए। ठीक, चलिए इसका रुक्षेद भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको थोड़ा पतला करके एक अलग कलर में लिख देते हैं। सर भाई कोई भी क्षेत्र सर चार दिशा में बटा होता है, इसलिए इसका अंतर्गत आता है सर अनुच्छेद एक से लेकर चार तक। सर चार खत्म हुआ तो भाई पांच से चालू होगा, तो सर पांच से लेकर के इस देखिए चार से खत्म हो गए, पांच से चालू होगा तो पांच चालू, और एक को लिखा मैं उसको डबल कर दिया पांच से ग्यारह तक। ग्यारह का सर आपका बारह आएगा, सर बारह का क्या करूंगा सर मैं बारह के बाद दोस्तों मैं यहाँ लिखूंगा क्या, देखो एक से चार पांच से ग्यारह है ना, तो एक और दो को जोड़ूंगा क्या हो जाएगा सर तीन हो जाएगा, एक और दो को जोड़ के तीन लिखूंगा और इस पांच को इधर लिख दूंगा पैंतीस, तो बारह से पैंतीस तक। ठीक, हाँ सर। फिर डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो है सर पैंतीस में आएगा आपको छत्तीस, छत्तीस से क्या होगा सर छत्तीस देखिए ये वाला पांच पहले और ये वाला एक बाद में, छत्तीस से लेकर इक्यावन तक, एक से चार पांच से ग्यारह बारह से पैंतीस छत्तीस से इक्यावन, और चार से बना है चार का तो इक्यावन से बनेगा इक्यावन का, तो इक्यावन का में है आपका मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। केंद्र सरकार संघ सरकार किसमें भैया आप देखिए इक्यावन को बताता है आपका बावन, तो बावन मर इक्यावन का आता है बावन मर इक्यावन पीछे नहीं छोड़ूंगा, बोले इक्यावन बोला मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो बावन के बाद इक्यावन कब आता है, एक सौ इक्यावन में आता है, इसलिए एक लगा दीजिए एक सौ इक्यावन। अब एक सौ इक्यावन का फिर क्या आता है, एक सौ इक्यावन का फिर आपको एक सौ बावन आता है, तो एक सौ बावन से क्या बोल रहे हैं आप सभी राज्यों को दो तीन राज्यों को दो तीन राज्यों को साथ साथ रहना चाहिए, तो दो तीन राज्यों को साथ साथ रहना चाहिए, दो तीन राज्यों को साथ साथ रहना चाहिए, दो तीन साथ एक सौ बावन से दो सौ सैंतीस, क्योंकि ये भाग सात समाप्त हो चुका है, तो इसलिए दो सौ अड़तीस अनुच्छेद यहीं पे आता है, दो सौ अड़तीस केंद्र प्रदेश आता है, अड़तीस के बाद आता है भाई दो सौ उनचालीस, दो सौ उनचालीस से दो सौ उनचालीस चालीस इकचालीस बयालीस चार हिस्सा, तो क्योंकि आठ केंद्र शासित प्रदेश उसका आधा चार होता है, तो उनचालीस से लेकर दो सौ बयालीस तक। फिर पंचायती राज में और नगरीय निकाय में केवल एक ही चीज लिखिए, दो सौ उनतालीस लिखिए, दो सौ उनतालीस लिखिए, दो सौ उनतालीस लिखिए और दो सौ उनतालीस लिखिए। देखिए इन दोनों दो सौ उनतालीस दो सौ उनतालीस दो सौ उनतालीस दो सौ उनतालीस ही है, मगर यहाँ है दो सौ उनतालीस से दो सौ उनतालीस ओ तक, और उसके बाद का जी के अलावा ओ का आता है पी, दो सौ उनतालीस पी से जेड खत्म और जेड में फिर जी तक। फिर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का क्या होगा भैया, दो सौ तैतालीस खत्म, तो इसमें लिखिए केवल दो सौ चौवालीस, एक अनुसूचित क्षेत्र एक जनजाति क्षेत्र दो ही है, तो एक दो सौ चौवालीस और एक है दो सौ चौवालीस ए खत्म। फिर केंद्र राज्य संबंध में क्या भैया, तो चौवालीस खत्म हो गया, दो सौ पैतालीस से पैतालीस दो सौ दो छः, दो को छः से भाग देंगे क्या आएगा तीन आएगा, दो सौ तिरसठ, दो सौ तिरसठ। फिर वित्त संपत्ति और संविधान किसमें आती है, भाई आपका दो सौ तिरसठ के बाद दो सौ चौसठ आता है, दो सौ चौसठ से तीन सौ क तीन सौ ए तक, इसे आप संपत्ति के अधिकार को डाल दिया ना विधि विधि के अधिकार में, संपत्ति के अधिकार को यस। फिर व्यापार वाणिज्य का बात हो तो सगुन का बात होना चाहिए, तो तीन सौ के बाद तीन सौ के बाद क्या आता है, तीन सौ के बाद सगुन का तीन सौ एक रुपये आता है, और वो कहाँ तक जाएगा, तीन सौ से तीन सौ सात तक, सगुन का बात होगा क्योंकि व्यापार वाणिज्य का बात है। तो सात के बाद क्या आता है सर, सात के बाद आता है तीन सौ आठ, तीन सौ आठ से तीन सौ तेईस तक है ना, फिर तीन सौ तेईस और तीन सौ तेईस ए ऐसा पढ़ेंगे चौदह में चौदह का करके। फिर हाँ सर निर्वाचन आया जाएगा तीन सौ चौबीस से तीन सौ उनतीस ए तक। फिर राजभाषा आ जाएगा वैसे ही आपका है ना, तीन सौ तिरालीस से तीन सौ इक्यावन तक, तीन सौ तिरालीस से तीन सौ इक्यावन तक। आपातकाल आ जाएगा तीन सौ इक्यावन का तीन सौ बावन से, तीन सौ बावन से तीन सौ साठ तक, और इसमें आ जाएगा संविधान संशोधन में केवल केवल तीन सौ अड़सठ लीजिए, हो गया। तो ये है दोस्तों आपको पूरा भाग, पूरे भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद इस तरीके से आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, तब तो आप किसी देखिए पूरा स्क्रीन छोड़ दे रहा बोर्ड छोड़ देना पूरा अच्छे से देख लीजिए, ऐसे आप भी इसी पद्धति से याद रखिए ताकि आपको दिक्कत डाउट ना रहे, है ना, और ऐसी कहानी के माध्यम से पूरा बना के रखिए। भले 22 भाग है मगर कुछ कुछ छोटे मोटे भाग उनको छोड़ दीजिए,
पढ़ना तो पढ़ लीजिए, हालांकि पढ़ाया तो पूरे भाग वैवाहिक भाग भी हूँ आपको मैं, और यहाँ पे आपको छोड़ना छोड़ सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज की क्लास में समाप्त करता हूँ मैं, अब इसको हटा देता हूँ मैं, तो आज की क्लास की यही समाप्ति करते हैं भाई हम, है ना। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमेशा हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।